स्टूडेंट देखिए, जो पिछले क्लासेज में हम लोग पढ़े हैं रेडियन को कैसे डिग्री में बदले और डिग्री को कैसे रेडियन बदले, वहीं 3.1 यानी 11th क्लास के 3.10 मैथमेटिक्स चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, डिग्री माप को संगत रेडियन के माप में ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट ये 25 डिग्री है, तो आप लोग को बताया था मैंने कि डिग्री से अगर रेडियन में ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, पाई बटे 180 से भाग देंगे यानी गुना करेंगे इसमें, ठीक है। तो 25 डिग्री गुने पाई बटे 180, तो 180 25 गुने 180 जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 25 और 36 5 180, तो यानी 5 पाई बटे 36 हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग ज्ञात कर लिए। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यानी एक का दूसरा नंबर है 57 डिग्री 30 मिनट, तो सॉरी 47 डिग्री 30 मिनट, तो -47 डिग्री, उसके बाद 30 मिनट को क्या करेंगे, 30 बटे 60 करेंगे, तो कितना होगा, 1 बटे 2। तो स्टूडेंट यहाँ पे 47 डिग्री गुने 1 बटे 2 कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -47/2 हो जाएगा। जब -47/2 हो जाएगा तो उसको क्या करेंगे, यहाँ पे -47/2, देखिए यहाँ पे क्या हो ना, यहाँ पे गुना नहीं रहेगा, 47 × 94 = 95 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे 95/2 हो जाएगा। उसके बाद इसको क्या करेंगे, हम पाई बटे 180 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो स्टूडेंट जब गुणा कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा आपका -19π/72, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद देखिए 240 डिग्री, ये आप लोग हल कीजिए। दो रेडियन माप को डिग्री में बदलने के लिए यहाँ पे जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन आएगा, दूसरा का 1 है 11/16 है, तो उसको 180/π से गुना करेंगे, तो 11/16 गुने 180/π का मान 22/7 रखेंगे, तो 22/7 ऊपर जाएगा ऊपर नीचे आ जाएगा 22, तो 11 × 22। उसके बाद देखिए 2 से 180, 90 × 180 हो जाएगा, और देखिए 8 × 16 = 45 × 90 यानी 315/8, ये आपका डिग्री आएगा, क्योंकि 45 में 7 से भाग गुना कीजिएगा तो 315 आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे है -4 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 180/π कर देंगे, कितना 180/π, तो इसको क्या हो जाएगा, -4 × 180 × 7/22 हो जाएगा, तो 2 × 4 = 11 × 22। जब इसको आप लोग गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा -2520/11 आ जाएगा। तो स्टूडेंट अब देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका 5π/3 है, तो इसको कीजिएगा 180/π से जब करेंगे तो क्या होएगा, यहाँ पे पाई पाई कैंसिल, अब उसके बाद 6 × 3 = 18 = 60 यानी 6 × 5 = 30, 300 डिग्री हो जाएगा, कितना 300 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट ये है 7π/6, 7π/6 को करेंगे तो 180/π यानी पाई पाई कैंसिल, 6 × 3 = 18, 300 × 210 डिग्री। तो ऐसे ही स्टूडेंट ये बहुत ट्रिकली आप लोग बहुत ही जल्दी सीख लिए, और आप लोग ऐसे ही क्वेश्चंस को बनाते रहिएगा। उसके बाद फिर से आप लोगों को ये नए क्लास की यानी 3.2 को पढ़ाया जाएगा, तो बने रहिए चैनल पर, नया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।